हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको एक और यात्रा, हरिद्वार की यात्रा कराने जा रहे हैं। तो हरिद्वार भारत के सबसे पुराने तीर्थ स्थलों में से एक है, और अभी हम हरिद्वार मार्केट से होकर के गुजर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का क्राउड रहता है, और आपको यहाँ पर हर तरीके का सामान मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ी मार्केट हरिद्वार के अंदर है। आपको यहाँ पर पूजा से संबंधित जो भी सामान होता है वो तो आपको यहाँ पर बहुत कम दामों में मिल जाएगा। हरिद्वार और ऋषिकेश, ये दो ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जो आपकी धार्मिक आस्था है उस चीज़ के लिए लोग आते हैं, और यहाँ पर जितने भी पूजन सामग्री है वो सब आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये हरिद्वार का मार्केट बहुत ही लंबा चौड़ा मार्केट है, और यहाँ पर वैसे आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब आपको इस मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बड़े बड़े शंख, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और कलश आसानी से मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर इनकी बहुत सारी वैरायटी भी मिल जाएंगी, और आपको ज़्यादा भी भटकना नहीं पड़ेगा। इतनी आसानी से आपको इस पूरे मार्केट में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये कुछ लोग राजस्थान से यहाँ पे आए हैं, इनका कल्चर अलग होता है। ये आप इस महिला के हाथ पे देख सकते हैं, वो चूड़ियाँ ऊपर तक बिल्कुल बांध के रखती है, और इनका जो वेशभूषा है वो सबसे अलग है। और ये लोग इस चीज़ को लेकर के हर जगह कहीं भी जाते हैं तो ये लोग ऐसे ही जाते हैं। तो अभी हम मेन जो प्रवेश द्वार है हर की पौड़ी का, तो वहाँ पर ये है, ये ठीक हमारे अभी सामने ही है। तो अभी यहाँ से हम चले गए हैं, यहाँ से अभी हम राइट को निकलेंगे तो हम सीधा हर की पैड़ी में पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं अभी हर की पौड़ी की तरफ। तो भाई यहाँ पर माहौल कुछ ऐसा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी करते हैं। तो फ़ोटोग्राफी के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे कैमरे भी मिल जाएंगे, जो आपको मतलब 50 रुपये की तो आपकी फ़ोटो खिंचवाते हैं, और अगर आपको वो फ़ोटो मोबाइल में लेनी है DSLR की तो वो आपको 20 रुपये चार्ज करते हैं। तो आप वहाँ से उन लोगों से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये नज़ारा है यहाँ पर हर की पैड़ी का। तो दोस्तों ये है हर की पैड़ी, मतलब अभी तो यहाँ पर क्योंकि दिन का टाइम है उतनी भीड़ नहीं है। मैं जब कुंभ के मेले में यहाँ पे आया तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी, और कैसे कैसे हम वहाँ आए, यहाँ पर आए, क्योंकि उस दिन था शाही स्नान, और शाही स्नान के टाइम पे हर चौराहे जाम करे हुए थे पुलिस वाले ने, और यहाँ तक कि CRPF की फ़ोर्स भी वहाँ पर लगी हुई थी। तो उन्होंने हमें बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करने दिया, लेकिन हम जैसे जैसे करके यहाँ पे पहुँच गए। तो ये आप पूरा इलाका देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ से भरा हुआ था, और ये पूरा यहाँ से ये यहाँ तक बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब पैर फैलाने तक की जगह नहीं थी। और ख़ासकर उस समय जब हम 7-7:30 बजे यहाँ पर आरती कर रहे थे, तो आरती में तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी। बहुत ज़बरदस्त आरती होती है यहाँ पर शाम की, अगर आपको कभी टाइम लगे तो शाम को आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। तो ये सब यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, और यहाँ के नज़ारे कुछ इस तरीके के हैं। दोस्तों हरिद्वार में ये जगह आपको आध्यात्मिक शांति के लिए बहुत ही सही है, मतलब यहाँ पर आपको आध्यात्मिक शांति का एहसास ज़रूर होगा। हर हर गंगे दोस्तों, तो अभी मैं हरिद्वार में हूँ, आप देख सकते हैं माया नगरी माँ गंगा के तट पर अभी हम हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पानी है बहुत ही ठंडा है, मतलब गर्मी में तो सुकून देने वाला है। और वैसे भी हरिद्वार सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से, सभी सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हरिद्वार में आकर के जब भी आप आएँ तो यहाँ पर इस स्थान में आना बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इसी चीज़ के लिए हरिद्वार फेमस है। यहाँ पर हर दिन लाखों सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं इन मंदिरों के, और आसपास जो भी मंदिर है, ऊपर मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी और बहुत सारे मंदिर हरिद्वार में आपको मिल जाएंगे। तो अभी मेरी वॉइस आपको एकदम अगर क्लियर नहीं आ रही होगी, उसके पीछे रीज़न ये है कि क्राउड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। अभी दिन का टाइम है, थोड़ा सा भीड़ कम है, मतलब अगर आप यहाँ पे गंगा आरती के समय शाम को आओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इस छोटे बच्चे ने
यहाँ पर किसी ने बिस्लेरी की बोतल फेंकी थी, उस बोतल को पकड़ करके इसने साइड में लाने का काम किया है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, जैसे आप प्रसाद चढ़ाते हो, नारियल चढ़ाते हो, तो बहुत सारे बच्चे उनको इकट्ठा कर लेते हैं। और जो सिक्के यहाँ पर हम चढ़ाते हैं उनको भी बहुत सारे बच्चे उठा करके अपने पास कलेक्ट करते हैं चुंबक लगा करके। इस भाई को आप देख रहे हो, इसने भी एक कढ़ाई ले रखी है हाथ में, और ये इस कढ़ाई को लेकर के गंगा जी के अंदर जाता है और जितने भी सिक्के हैं उसको कलेक्ट करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, एक ये भी है। तो श्रद्धालु यहाँ पर बहुत ही श्रद्धापूर्वक गंगा जी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और दोस्तों, अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं और किसी भी घाट में आप जाते हैं, वैसे हर घाट यहाँ का स्पेशल है, लेकिन हर की पैड़ी बहुत ही स्पेशल है। हर की पैड़ी श्रद्धा और आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। तो ये दूसरी तरफ भी कुछ इस तरीके के हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, भगवान शिव की मूर्ति है, और भी बहुत सारे लोग इस साइड से भी स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर गंगा जी बहुत ही ऐसे आपको लगे कि शांत होकर के बह रही है। और दोस्तों, कुंभ के टाइम पे यहाँ पे ये पुल के आसपास और भी बहुत सारे अस्थाई पुल बनाए जाते हैं, ताकि जो जितनी भी भीड़ है वो आसानी से कवर हो सके। ये घाट के पास में हर जगह इस तरीके से आप देख सकते हैं ये चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, ताकि किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर। और ये ठीक सामने धनुष पुल है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको, इसका शेप जो है पूरे धनुष की तरह है, और इसमें दो तीर यानी बाण ऊपर की तरह आपको देख सकते हैं, इसलिए इस पुल का नाम है धनुष पुल। तो भैया, हरिद्वार में ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये रिक्शा वाले भैया है। और वैसे जो ई रिक्शा होता है उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, वो अपने आप चलता है, लेकिन ये जो रिक्शा चलाते हैं इनको लगातार पैडल मारने पड़ते हैं, तीन चार लोगों को ये आसानी से ले जाते हैं, तो इनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है हरिद्वार के अंदर। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। माँ गंगा आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो हरिद्वार की ये यात्रा यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप भी आना कभी घूमने हरिद्वार हर की पैड़ी में।